What's up guys, welcome back to another video. आप सबकी बारी पर कम डिमांड पर आज हम लोग बात करने वाले हैं GTA 5 गेम्स मोबाइल के लिए। और हाँ, मुझे लगता है कि आपको ये GTA गेम्स जरूर पसंद आने वाले हैं, सो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। ग्रांड ये एक हाई ग्राफिक GTA जैसा गेम है जो आप अपने मोबाइल में खेल सकते हो एंड इवन खेलने में भी काफी मजा आता है, क्योंकि आप इसमें टैंक्स, कार्स एंड गन्स का यूज कर सकते हो एंड अपने मिशंस को कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको इसमें काफी सारे मिशंस देखने को मिल जाएंगे। एक ओपन वर्ल्ड एरिया होता है जहाँ पर आप कहीं पर भी जा सकते हो। लाइक आप बैकग्राउंड में इस गेम का गेम प्ले भी देख सकते हो। गेम काफी अच्छा है। इस गेम के साइज की बात करें वो है 304 MB। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। न्यू गैंगस्टर क्राइम हीरो गेम है गाइस, वो GTA San Andreas से काफी मैच होता है। इवन आपको उसके जैसे ही ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। इस गेम के अंदर आप बॉडी बिल्डर से फाइट कर सकते हो, काफी सारे आपके लफड़े होते रहते हैं इस गेम में एंड इवन आपको काफी सारे सुपर कार्स को अनलॉक कर सकते हो, टैंक को चला सकते हो, मिशन कंप्लीट कर सकते हो, गन्स का यूज कर सकते हो एंड काफी कुछ करने को मिल जाएगा। इवन इतना ही नहीं, आपको कभी कभी इसमें सुपर पावर्स देखने को मिल जाती हैं एंड आप जेट पैक लगा के हवा की सैर भी कर सकते हो, कार चला सकते हो एंड कार्स को पार से भी गिरा सकते हो एंड आपको एक ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिलता है, इसका मतलब आप कहीं पर भी जा सकते हो। इस गेम का साइज है यहाँ पर 350 MB। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। सेंसुरो इस गेम को बनाया है सेन एक्यूवाई ने, उनके चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। इस गेम के अंदर आपको GTA का ऑनलाइन मिशन देखने को मिलता है जहां पर आपको बादल के ऊपर रैम देखने को मिलेंगे, वहां पर कार चलानी होगी। यही भी ना आप इसमें स्टंट भी कर सकते हो, एक कार नहीं बल्कि आपको काफी सारी कार्स देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप अनलॉक कर सकते हो। इस गेम के बारे में ज्यादा कुछ बताने को है नहीं एंड आप शायद अपडेट में भी और कुछ आ सकता है। गेम जो है पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। गेम का साइज 214 MB के आसपास रहेगा। साइबर वर्ल्ड ऑनलाइन इस गेम के बारे में आपने काफी सारे यूट्यूबर्स से सुन रखा होगा, बिकॉज ये गेम इतना भी अच्छा नहीं लेकिन इसके ग्राफिक्स ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। इवन आप गन्स का यूज करने को मिलता है, बैट यूज करने को मिलते हैं, काफी सारी इसमें चीजें देखने को मिल जाती है एंड एक ओपन वर्ल्ड एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर आपको फ्यूचरिस्टिक सिटी देखने को मिलेगी, कार्स का यूज कर सकते हैं, इवन आप कुछ भी कर सकते हो। इसमें आपको काफी सारे एनिमीज देखने को मिलते हैं जो लेवल बाय लेवल बढ़ते जाते हैं एंड इवन थोड़े बहुत मजे आप कर सकते हो। गेम का साइज यहाँ पर है 620 MB। गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा। गैंगस्टाउन स्टोरी ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है जहाँ पे आपको बहुत कुछ करने को मिल जाता है। GTA San Andreas से लेकर GTA 5 के मिशन देखने को मिल जाएंगे। इवन आप काफी सारी कार्स को परचेस कर सकते हो, गन्स का यूज कर सकते हो एंड हेलीकॉप्टर वाले मिशंस भी कर सकते हो। अगर आप किसी कार को डिस्ट्रॉय करते हो तो आपके पीछे पुलिस भी पड़ने वाली है, तो पूरी GTA वाली फील आएगी, तो इस गेम को जरूर ट्राई करना। गेम जो है पूरी तरीके से ऑफलाइन गेम का रोस्टर है वो 780 MB के आसपास रहेगा। भाई दी गैंगस्टर ये एक इंडियन GTA 5 गेम है, आपको इसमें इंडियन की सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, लाइक इंडियन ट्रक, रिक्शा एंड बाइसिकल भी देखने को मिल जाती है एंड आपको इसमें हेलीकॉप्टर को भी ड्राइव कर सकते हो। अगर आप किसी से फाइट करते हो तो वो भी आपको हिंदी में बात करने वाला है एंड आई विन आप किसी से भी हिंदी में बात कर सकते हैं। ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिलता है एंड आपको इसमें मिशन भी देखने को मिल जाएंगे। ये गेम जो है पूरी तरीके से ऑनलाइन है। गेम का सैर है वो 100 MB के आसपास रहेगा। अब एक बार ये सुनो भैया, देख नहीं रहा क्या? बोलो चुबा केसरी। ब्लॉक क्राइम सैंडबॉक्स अभी आपने देखा इंडियन GTA 5 को, अब देखो माइनक्राफ्ट GTA 5 को। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें एक ओपन वर्ल्ड सिटी देखने को मिलती है जहाँ पर आप इवन कुछ भी कर सकते हो। GTA 5 के मिशन तो आप करोगे, साथ में आप अलग अलग डिफरेंट टाइप के मिशन भी कर सकते हो। आपको इसमें अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो एंड आपको इसमें काफी अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है जो कि अदर GTA 5 गेम्स में नहीं मिलेंगी। आपको इसमें डे नाइट का टाइम सेवन देखने को मिलता है एंड इवन फुल टाइप एक स्टोरी मोड भी देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। गेम का साइज है वो यहाँ पर 335 MB के आसपास रहेगा। गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है। ड्यूर थेफ्ट वॉर ये एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है, यानी कि आप GTA 5 को खेल सकते हो मल्टीप्लेयर में। इसके कैरेक्टर भी काफी ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं, ग्राफिक्स भी अच्छे ही हैं। आप इस गेम के अंदर भी काफी सारे गेम्स एंजॉय कर सकते हो, लाइक आप इसमें कार को सील कर सकते हो, बैटल रॉयल खेल सकते हो, गेम के अंदर बाउलिंग कर सकते हो, काफी कुछ करने को मिल जाएगा सिर्फ एक ही गेम के अंदर। बाकी गेम जो है पूरी तरीके से ऑनलाइन गेम के रोस्ट है 150 MB के आसपास रहेगा, तो आप एक बार जरूर ट्राई करना। अर्जुन भाई दी गैंगस्टर ये भी एक इंडियन GTA 5 गेम है एंड आपको इसमें काफी कुछ करने को मिल जाएगा, लाइक एक इंडियन सिटी देखने को मिलेगी एंड काफी सारे साइड पे गोलगप्पे वाले भी मिल जाएंगे जहां पर आप काफी मजे कर सकते हो एंड आप काफी सारे मिशन देखने को मिलेंगे, तो आप काफी सारे मिशन कंप्लीट करके अपनी लाइफ को भी सेव कर सकते हो एंड आपको इसमें एक ओपन वर्ल्ड सिटी मिलती है, इसका मतलब आप कहीं पर भी जा सकते हो। हीरो गेम का पूरी तरीके से ऑफलाइन गेम करो सर 107 MB के आसपास रहेगा, तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो। बाकी आपको इसमें एक ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिल जाता है एंड आपको काफी सारे टुक टुक भी देखने को मिल जाएंगे जो कि इंडिया के होंगे।
वाइस ऑनलाइन। इस गेम के बारे में आपने काफी सारे यूट्यूबर से सुना होगा, क्योंकि ये गेम है इतना मस्त मुझे बताना ही पड़ा। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बायोस देखने को मिलती हैं, कार्स हेलीकॉप्टर को ड्राइव कर सकते हो, एंड इवन आप GTA 5 की तरह आपको इसमें एक इमोट्स भी देखने को मिलता है, लाइक आप किसी को इमोट्स भी दिखा सकते हो, कार स्टन कर सकते हो, एंड आपको इसमें एक ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिलता है जहां पर आप कहीं पर भी जा सकते हो। गेम जो है पूरी तरीके से ऑनलाइन गेम करो, 391 MB के आसपास रहेगा। तो सी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपने वीडियो एंजॉय करी होगी, और कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने गेम्स को डाउनलोड किया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे एक और तबाहदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।